नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक नया न्यूज़ लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो इस न्यूज़ के चलते हुए आपको फ्यूचर में जिस स्टॉक के बारे में मैं आज दिखाऊंगा, मतलब जिस स्टॉक के बारे में न्यूज़ में आपको दिखाऊंगा, तो फ्यूचर में या आपको अच्छा खासा कंपनी में जाम देखने को मिलेगा। तो क्योंकि कंपनी जो डिसीजन लिया है तो उसी के बारे में एक न्यूज़ पब्लिश किया है, तो उस न्यूज़ को मैं पूरा डिटेल्स में आपके सामने दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में और आज के न्यूज़ के बारे में। तो डायरेक्ट आपको न्यूज़ के बारे में मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए टाटा ग्रुप, मतलब आपको टाटा मोटर्स के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। ये टाटा ग्रुप ने जो यहाँ पे जो न्यूज़ पब्लिश किया है पिछले दिनों में, तो मतलब एक दिन पहले आपको न्यूज़ आया था। तो आज मैं 11 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, आपको ये न्यूज़ 10 तारीख को आया है। तो इससे न्यूज़ आपको देख लीजिए क्योंकि फ्यूचर के लिए आपको कितना अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगा, इस न्यूज़ से ही पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए टाटा ग्रुप ने जो बताया है, टाटा ग्रुप इज़ लुकिंग टू एंटर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे देखिए चंद्रशेखरन जी ने यहाँ पे बताया है, इसका मतलब टाटा का जो मेन प्रॉब्लम था, मतलब मेन जो इशू हुआ था जिसके लिए टाटा शेयर में बहुत अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। तो गिरावट भी मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए चार्ट पैटर्न के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो दिन था, मतलब 21 जुलाई, तो इस सॉरी 6 जुलाई, तो इस दिन में देखिए कंपनी ने बहुत गिरावट, बड़ा गिरावट देखने को मिला। करीबन देखा जाए थ्री मतलब 300 मतलब 358 से गिरकर स्टॉक 311 तक चले आए थे, उसके बाद कंटिन्यूअसली गिरावट देखने को मिला। इसका मेन रीज़न जो है वो है ए न्यूज़, वो है यहाँ पे देखिए जो मेन प्रॉब्लम था, जो चीप का इशू था, मतलब जो इसका मेन बिजनेस मेन सबसे बढ़िया कार है जैगवार और लैंड रोवर, जो फॉरेन कंट्री में ज़्यादातर बेचते हैं, तो उसी का जो चीप शॉर्टेज हुआ था, इसके लिए मार्केट में अच्छा खासा गाड़ी नहीं बिका क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ। तो चीप का थोड़ा इशू था क्योंकि कंपनी जो चीप खरीदता था वो टोटली दूसरे के ऊपर डिपेंड था, मतलब दूसरे कंपनी के ऊपर डिपेंड था। तो कंपनी ने जो बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है, टोटली खुद ही 5G लॉन्च होने के बाद जो खुद ही चिप बनाने वाले हैं, मतलब खुद ही चिप का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इसी के बारे में बात कर रहा है। तो अभी तक कंपनी ने बोर्ड मीटिंग किया है, अभी तक फाइनल सबमिशन नहीं आया है। तो यहाँ पे देखिए जो बताया गया है इज़ लुकिंग टू, मतलब अभी सोच रहा है, मतलब अभी सोच रहा, मतलब अभी बोर्ड मीटिंग में उन्होंने बताया है, तो अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। फिर भी इसी के चलते हुए ये डिसीजन टाटा ने डिसीजन लिया तो ज़रूर होगा क्योंकि सबसे जो मेन इशू हो रहा है कंपनी का वो इस चिप सेक्टर के लिए ही हो रहा है, मतलब कार में जो चिप लगता है तो उसी चिप का प्रॉब्लम इशू हो रहा है, इसलिए गाड़ी मतलब गाड़ी बेचना कम हो गया था, तो इसलिए कंपनी ने अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। तो फ्यूचर में अच्छा खासा गिरावट, अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा क्योंकि न्यूज़ बहुत ज़बरदस्त है। तो इसका डिटेल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन है वो उन्होंने खुद ही यहाँ पे बताया है न्यूज़ के सामने कि यहाँ पे देखिए टाटा ग्रुप इज लुकिंग टू मेक ए फोर्स इनटू सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड इट हैज सेंड अप टू बिजनेस टू सीज ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब चेयरमैन्स मतलब यहाँ पे चेयरमैन खुद ही यहाँ पे बताया है मंडे के दिनों में। तो इसी के चलते हुए कंपनी ने अच्छा डिसीजन लिया है क्योंकि यहाँ पे देखिए टाटा ग्रुप ने जो बताया है जो 5G नेटवर्क आ रहा है, तो उसी के चलते हुए कंपनी ने इस डिसीजन को भी लिया है। 5G जब लॉन्च होगा तो उसी के साथ ही साथ कंपनी ने इस चिप का मैन्युफैक्चरिंग भी खुद ही करेंगे। तो इसी के बारे में कंपनी ने पिछले दिनों में पूरा डिटेल्स में यहाँ पे बताया है, तो आप पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए चंद्रशेखर जी ने सेड ग्लोबल सप्लाई यहाँ पे चेंज करेंटली हेवीली डिमांडेंट सॉरी डिपेंडेंट ऑन चाइना, मतलब चाइना के ऊपर टोटली डिपेंड था इस चिप के लेके, मतलब ये जो चिप बनाता था वो टोटली चाइना बनाता था, तो चाइना के ऊपर पूरा टोटली डिपेंडेंट था। तो अभी वर्ल्ड में इसी के लिए कंपनी है बहुत अच्छा खासा दिक्कत आया है क्योंकि चिप शॉर्टेज हुआ है और चाइना ने उतना सप्लाई दे नहीं पाया। तो यहाँ पे देखिए वुड सी ए बिग चेंज इन ए पोस्ट पे यहाँ पे देखिए पेंडेमिक वर्ल्ड विथ बिजनेस शिफ्टिंग टू द रिलायंस।
तो ओवरऑल कंपनी का जो बात हुआ है, मतलब कंपनी जो डिसीजन लिया है वो भी एक बार देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कंपनी जो बिजनेस कर रहा है, यहाँ पे देखिए ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज कुड अनलॉक 1 ट्रिलियन इन जीडीपी ऑन, यहाँ पे देखिए क्रिएटेड मिलियन जॉब, मतलब कंपनी ने 1 ट्रिलियन का यहाँ पे बिजनेस मॉडल का जो प्लानिंग सोचा है, तो टोटली यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी ने अच्छा खासा डिसीजन यहाँ पे लिया है, क्योंकि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। जो चिप चाइना से आ रहा, मतलब आ रहा था जैगवार और लैंड रोवर के लिए, वो चिप डायरेक्ट टाइम टाइम टू टाइम सप्लाई नहीं हुआ, इसलिए कंपनी में बहुत घाटा देखने को मिला इस क्वार्टर में, मतलब इस फर्स्ट क्वार्टर में। तो इसी के लिए कंपनी खुद ही डिसीजन ले ये लिया है कि चिप खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो इसी के चलते, क्योंकि फ्यूचर में जितने सारे कार आएंगे तो टोटली चिप से ही चलेंगे और नेटवर्क सिस्टम से ही चलेंगे, तो ऑटोमेशन जो सिस्टम है तो इसी के लिए चिप का जरूरी है सबसे। तो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कंपनी नहीं बनना चाहता है, तो इसी के लिए कंपनी ने बहुत अच्छा खासा लॉस देखने को मिला। तो इसी के चलते कंपनी ने जो चेयरमैन है उन्होंने खुद ही बोर्ड मीटिंग में बताया है कि मैन्युफैक्चरिंग खुद ही करेंगे सेमीकंडक्टर का। तो यही था टाटा मोटर्स का न्यूज़, और इसी के चलते फ्यूचर में ये डील पक्का हो जाता है तो टाटा मोटर्स में जान आ जाएगा, बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रैली भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सेल्स ज़्यादा बढ़ जाएगा और अच्छा खासा रैली भी आपको देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका होगा। तो मेरे इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, और वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए, उसको भी इस डिटेल्स को पता चले। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक और न्यूज़ लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।